अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है मेरे भाई की बारात का दिन। माशाल्लाह आज हम बारात लेके जा रहे हैं और ये है मेरे भाई का ड्रेस, ब्लैक कलर में खुसा और ब्लैक कलर की ही शेरवानी थी जो म्यूचुअल डिस्कशन के बाद जो कि डिसाइड की गई वो ये वाली शेरवानी थी जो हमें पसंद आई। दो कलर थे लेकिन जो ब्लैक था ना वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मैं अपने भाई के कपड़े निकाल रही थी जो अभी मेरे भाई ने रेडी होना था, वही किया हुआ था सलून पे। खैर अब तो लड़कियां तो जाती हैं, लड़के जो होते हैं उनकी भी अच्छी खासी तैयारी होती है। एक्चुअली मैं जो कुल्ला था ना वो चाह रही थी कि भाभी की ड्रेस के साथ मैच हो, लेकिन बस यही फिर इसी पे आके बात बनी, ये प्यारा लग रहा था। अच्छा यहाँ पे सब रेडी हो चुकी हैं बारात के लिए, बारात जाने वाली है। लड़कों का थीम था, उन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने थे और ऊपर ब्लैक कोट थे या वास्कट थी, जो भी हो रहा था। ये अवराज है, अवराज लोगों के भी मैंने वाइट कलर के ही कपड़े लिए हुए थे, उनके भी पूरे सेट थी। पूरी शादी पे हमने शलवार कमीज़ जो है वही रखी हुई थी। और यहाँ पे मेरी बहन का निकाह हो रहा था और एक दिन पहले हमने निकाह कर लिया था। सुबह के दिन मेरी सिस्टर की बारात है और भाई का वलीमा है। और ये वाला जो सीन है ना, बहुत मुश्किल टाइम था। अम्मी जो है, अम्मी तो पास ही नहीं आए थे ना, अम्मी तो बस जब उन्हें पता चला तो वो पास आए नहीं, उन्होंने कोशिश ही नहीं की और थे भी परेशान ही सब। और जी यहाँ पे सेराबंदी हो गई है तकरीबन, थोड़ा सा ही काम रह गया था और यहाँ पे सब रेडी हो रहे हैं। हम बस बारात लेके निकल रहे हैं अपनी भाभी को लेने। वो नीचे नज़र आया होगा थोड़ा सा क्लिप, और यहाँ पे हमारी बारात जो है वो निकल चुकी है। ये एक्चुअली मैंने वीडियो क्लिप्स जो है ना ये लिए थे जिसने हमारी मूवी बनाई थी, मूवी मेकर से कुछ क्लिप्स मुझे मिले। और इस वीडियो पे मुझे एडिटिंग पे इतना टाइम लगा था क्योंकि वैसे ही नॉर्मल बनी हुई थी वीडियो, स्पेशल इस तरह कुछ क्लिप्स लिए थे मैंने, यहाँ पे फेस नहीं आए लेकिन फैमिली में थे और भी सारे रिश्तेदार कज़न्स और फिर वो खुद भी आए हुए थे। तो वो मैं ये चाह रही थी कि बाद में कोई एतराज़ ना करे कोई देख के कि हमारा आ गया है। लड़कों का तो मैंने कोई नहीं इतना किया, जो आता है आए। होते हैं वो गाड़ियों से निकल जाते हैं, दूल्हा भी निकल जाता है और साथ में उसके दोस्त होते हैं, फैमिली मेंबर जितनी भी सब होते हैं वो फिर साथ डांस करते हैं, बैंड बाजा सारा सेटअप जो होता है। और जो लेडीज़ होती हैं उन्हें थोड़ा सा आगे जाके उतार दिया जाता है, फिर कुछ तो आगे चले जाते हैं, या फिर लेडीज़ जो होती हैं वो लड़कों के साथ नहीं होती, थोड़ा सा गैप होता है, वो बाद में उनकी एंट्री होती है और यहाँ पर लेडीज़ गाड़ियों में आगे उतारी जाती है। सब कज़न्स हैं और वहाँ पे जाके जब बारात हमारी पहुँच चुकी थी तो हमने वहाँ पे जाके डांस किया, लुड्डी डाली। और यहाँ पे आगे मज़ीद मैं टप्पे जो है वो ऐड कर रही हूँ। अगर आप में से किसी को नहीं समझ आ रही, कोई नहीं सुनना चाह रहा, तो आप वीडियो को एक मिनट के लिए या डेढ़ मिनट आगे कर दें, आगे फिर मेरी भाभी का वेलकम है, क्योंकि एक मिनट तक ना ये इसी तरह बजाएंगी गाने। नी अतर दिशी शिनी सुदी अर दो ते लाया
सनिया दुनिया तेरे मेलाया जीवे अलिया सनिया दुनिया तेरे मेलाया ओ मैगी भेरे दीवे कोठे ते सुख दिए लंबाड़ बतेरे निगाले अलिया सन से मुख दिए लंबाड़ बतेरे निगरी करे मके लगी बाजार निकाली मुर्गी के मारे ओ जाग पई सड़ दी अली असंद गुड्डी खुदा चाड़ी ओ जाग पई सड़ दी नक्षण्या दी गुड्डी खुदा चाड़ी हाथ मेरे वे चढ़ौनिया नी अली असन गल्ला करेंदा सोनिया जाइया नहीं कोलो नहीं होनिया अली असन छोर वे जुतियां पाल चीकनिया बाण तन निकली वे तेरिया सड़न शरीकनिया बाण तन निकली वे तेरिया सड़न शरीकनिया जाने लगे बाजार ने मैं हटिया गोली चांदे निमक गए मुखा जिने गाले हुण नैट ते ओ जांदे यहाँ पे जी अब हम भाभी को लेके वापस घर आ चुके हैं। ये पिंक ड्रेस में आपको मेरी दादी नजर आ रही हैं और बस सारे अपने क्रीपी क्रीपी थे जितने भी आपको वीडियो में इधर उधर नजर आ रहे हैं, कजन थे, भाई हैं और फिर इसी तरह फैमिली में कोई आंटी हैं, खाला हैं, दादू हैं, पुप्पू हैं, बस अपनी फैमिली के ही जो करीबी होते हैं आपको पता है किस टाइम पे वही रह जाते हैं, वरना तो मोस्टली जो मेहमान होते हैं खाना खाने के बाद चले जाते हैं। अच्छा खाने से ज़्यादा है, मैं खाने की कोई भी वीडियो नहीं कैप्चर कर सकी क्योंकि मैंने खाना ही नहीं खाया टाइम ही नहीं मिला, प्लस अब यार की सेहत इतनी ख़राब थी, बस बड़ी मुश्किल से टाइम गुजरा, मत पूछे कैसा गुजरा। और यहाँ पे हमारी कज़न और मेरी छोटी सिस्टर वो वहाँ से रुखसती से पहले ही वापस घर आ चुकी थी, सिर्फ इसीलिए कि हमने भाभी का जो वेलकम करना था वो सारा सेटअप उनके हवाले था। मैं थी और अम्मी थे, हम वापस आए थे भाभी को लेके, तब तक हम रुखसती तक रुके हुए थे और यहाँ पे हमारे आने से पहले उन्होंने सारा सेटअप जो वो अरेंज कर लिया हुआ था, केक भी टेबल पे पड़ा हुआ जो कि कट करना था। और यहाँ पे जी अब माशाल्लाह से एंट्री हो चुकी है, ये साथ में मेरी पुप्पो हैं, एक ही हैं हमारी पुप्पो, मेरे अब्बू लोग जो हैं माशाल्लाह से पाँच भाई हैं, इकलौती पुप्पो हैं, वो साथ लेके आ रही हैं। और यहाँ पे जी भाभी जो है वो अंदर आ रही हैं। अच्छा वो वाले जो टप्पे आपने सुने ना वो मुझे इतने पसंद आए, बल्कि सारी फैमिली को ही, अली हसन मेरे भाई का नाम है इसीलिए वो बार बार बुला रही थी, हो सकता है आपको समझ तो आई गई हो। और उनकी ये भी अच्छी बात लग रही थी क्योंकि उनकी समझ आ रही थी, पंजाबी थे लेकिन वो बहुत अच्छे थे और मुझे लगता बहुत से लोगों को समझ भी आ चुकी होगी। वीडियो मैंने ब्लर की थी क्योंकि उसका एंगल ऐसे था, मैं खुद नहीं बनाई थी मैंने वीडियो, मैं बैठी हुई थी ब्लैक कलर की साड़ी में साथ और गोद में मेरे जावियार था और वो दूर से मेरी कज़न ने वीडियो कैप्चर की थी और फिर सबके फेसिस भी आए हुए थे इसलिए मुझे मजबूरन ब्लर करना पड़ा। तो मुझे बस ये था कि एक दफ़ा मैं वीडियो ऐड कर दूँ, समझ आ जाए। अच्छा यहाँ पे जी केक जो है वो कट हो रहा है, इतनी खुशी होती है बहनों को माशाल्लाह, इतने अल्लाह ताला नज़र ना लगाए और अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दिखाएं, खुशियों का ये टाइम सबके घरों में आए, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या कोई भी मसला अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ ख़त्म फरमाएं, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे उनके रिश्ते हो जाएँ। कोई आसान काम नहीं होता, बड़ी मुश्किल से होता है, अगर फैमिली में आपका हो जाता है तो वो तो और बात होती है, लेकिन बाहर फैमिली से अगर आप करते हैं ना तो आपको अच्छा खासा टाइम लगता है। बहनों को तो मुझे लगता है वैसे ही इतना प्यार आता है, भाइयों के ये जब टाइम आती है भाभियाँ इतनी प्यारी लगती हैं, बस बहनों का तो बस नहीं चल रहा था। अब ये है जी लास्ट हमारा क्लिप, यहाँ पे हो रहा है फ़ोटो सेशन और मेरी वीडियो जो है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो रही है। इंशाल्लाह ताला बात होगी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। थोड़े जुड़े फास्ट लग रहा है थोड़ा मेरे।